नमस्कार। मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है, उसी पर हम ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर रहे हैं। बहुत सावधानी से आप सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, अभी मंगल मिथुन राशि पर आ रहे हैं, 13 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद मंगल वक्री होगा। 13 मार्च तक 2023 तक आपको ये कष्ट देगा, परेशानी देगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट आपके साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है। अभी आपके दशम स्थान कर्म स्थान में बृहस्पति है, तो नौकरी व्यापार काम आपको खूब मिलेगा। वो बात अलग है कि आपका शरीर जो है वो आलस्य के कारण, कन्फ्यूजन होने के कारण, डिसीजन ना लेने के कारण आप ना करें तो आपकी गलती है, लेकिन आपको अवसर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अप्रैल 2023 से गुरु चांडाल योग लाभ स्थान में बनने जा रहा है। आपको यहाँ एक दृष्टांत दूंगा। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण के इशारे पर ग्रह चलते थे, तो एकादश भाव जो लाभ स्थान है, सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, एकादश भाव में सब अपने संकेत से मात्र से ही सब ग्रहों को वहां स्थापित कर दिया। तो राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल योग कहीं भी दुष्प्रभाव देगा, लेकिन लाभ भाव में लाभ ही देगा। अगले वर्ष अप्रैल से ही मिथुन राशि वालों के लिए विवाह आदि की समस्याएं, विवाह की बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। आपको धन, अन्न, वस्त्र, आभूषण, पैसा सब कुछ प्राप्त होगा और नए अवसर मिलेंगे, लाभ के अवसर, मान सम्मान बढ़ेगा। सोना, चांदी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण के साथ साथ आपके भाग्य में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि आपका 17 जनवरी को शनि न्याय का भी कारक है और भाग्य में वृद्धि करता है तो ज्यादा करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति स्थान की हानि करता है जहां बैठता है, लेकिन शनि वृद्धि करता है। शनि जब देने पे आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेने पे आता है तो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से हानि भी पहुंचाता है। लेकिन न्याय के प्रिय हैं शनि, न्याय के देवता कहे गए हैं और डिसीजन देते हैं, गलत करेगा तो गलत, सही करेगा तो सही। बृहस्पति मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, पिता के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इस दौरान आपको मंगल और शनि का जो षडाष्टक दोष है, ये अगले कुछ समय के लिए पैरों में, सिर में और हाथ में चोट जरूर देगा। इसलिए बहुत सावधानी से, केयरफुल होकर के वाहन आदि चलाएं और विवाद आदि से बचें। और जो अपने प्रेम विवाह संबंधी बातों को लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ रगड़े झगड़े और लफड़े जरूर होंगे। इसलिए अच्छा होगा मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसा कोई विवादास्पद काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो चर्चा का विषय बने और आपके खिलाफ कोई भी मामला न्यायालय में जाए। दूसरी बात, अभी जो ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण आपके लिए खराब होगा, आपको क्रोध आएगा, जल्दबाजी में कोई स्टेप लेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसीलिए बाकी सब अच्छा है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं।
गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी यानी कि खुशी जरूर आएगी, बस उसी का इंतजार कर। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा का समय एक दो महीने का बचा है, उसके बाद आपके जीवन में बहुत खुशी आएंगी। जब भी कोई राशि पीड़ित होती है 2-2.5 वर्ष के लिए, अगला आने वाला समय इतना अच्छा होता है जैसे कि एक मजदूर 8-10 घंटे धूप में काम किया और उसके बाद वो रेस्ट करता है छाया में बैठ करके, फिर घड़े का पानी पीता है बहुत अच्छा ठंडा सा, बहुत सुख प्राप्त होता है। वही स्थिति आपके साथ होगी, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।